हमने हमारा लीडर नया चुना है, ये हमारे नासिर भाई है, उनको हमने हमारा लीडर चुना है। उस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि जो बेकरी का भाव है, वो बेकरी का भाव जो बढ़ा है वो एक बराबर सबके लिए हो। पुरानी जो शिकवे शिकायत है लोगों के दिल में कि मैंने उस टाइम पे ये किया था और ऐसा किया था और ये हुआ था, वो हमको वो नहीं चाहिए। आज एक भाव तय होगा और वो पूरे बम्बई का तय होगा। ये नहीं कि मतलब बॉर्डर की कुछ बेकरियाँ हैं वो अलग रहेगी और कुछ इस तरफ की बीच के हिस्से की बेकरी रहेगी उसका भाव अलग रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। भाव एक रहेगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे भाव कुछ डिफरेंट तय हुआ जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, लेकिन हमारा लीडर हमारे साथ में जो इस चीज़ की आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, जो जैसा भाव था वो हिसाब से रेट वो हम लोग करेंगे, वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। जिस तरीके से मैदे का भाव बढ़ रहा हो कह रहे हैं, उसकी वजह से पाव के जो अलग अलग चीज़ें बेकरी वालों को बढ़ाना पड़ रहा है, तो मैदे में भी आप लोग थोड़ा डिफरेंस लेकर आएंगे? इसमें एक्चुअल ऐसा है कि अभी बीच में एक्सपोर्ट चालू था गेहूँ का, उस पर काफ़ी रेट गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया था या एक्सपोर्ट हो रहा था उसके वजह से बढ़ रहा था, और ये बेकरी वाले जो हैं ये पर डे कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, इनका साल का साल कोई रेट चलता रहता है। तो जो इनका रेट है मान लो 10 रुपये का रेट है, अब ये मैदा अगर 1500 का भी बेचारे खरीद रहे हैं तो भी ये 10 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो इनका तो लॉस हो रहा है ना 100 रुपया पर बैग उधर से। तो उसके लिए ये मीटिंग रखे हैं कि मैदे का जब भी रेट बढ़ जाता है, आज ही बढ़ा चल रहा है भाई, गवर्नमेंट हर साल MSP बढ़ाती है, लेकिन ये बेकरी वालों का कहना है कि हमने 2017 से पाव में रेट नहीं बढ़ाया है, तो ये ज़रूरी था इनके लिए बढ़ाना, कि अगर उसके हिसाब से हम देखा जाए पर ईयर 100 रुपया पर कुंटल गवर्नमेंट MSP बढ़ाती है, तो इनको कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ाना ही चाहिए था। उसमें जिस तरीके से एक बात कही जाए कि मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि पाव से कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं या अपना पेट भरते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप लोग उनके बारे में इसमें सोच कर सकते हैं? तो उसके लिए उनके जो एक्चुअल गरीब तबके के लोग हैं या मतलब ऐसे लोग हैं उनके लिए ये लोगों ने भाव बढ़ाया ही नहीं है। अभी तो पब्लिक ने चुना है, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेदारी को पूरी करूँगा, और हर साल कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आते रहती है हमारे बेकरी वालों के, कोई सुनने वाला सुनवाई करने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनका बहुत शुक्र करता हूँ। हमारा कोई रहबर नहीं है, तो इन्होंने मुझे इस लायक समझा, इंशाल्लाह इनकी हर तकलीफ में दूर करूँगा। तो आपने कुछ अपनी रणनीति तैयार किया है? जी, मेरी टीम, मैंने अपनी टीम तय की है, पूरी टीम बनाई है बहुत अच्छी, जो ज़मीनी लेवल पे काम करेगी, हर बेकरी में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हर तरह से इनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बुरा वक्त है, एक तरफ से महंगाई है, दूसरी तरफ से देश में कोरोना था, बेकरी बंद हो गई है, बहुत सारे लेबर नहीं मिल रही है, आटे दाल चावल हर चीज़ें डबल हो गई है। जी, ये तो मुश्किलों में ही जीते आ रहे हैं, इन्होंने मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल देख देख के आज इन्होंने देखा कि कुछ लोग सब लोग हमारी टीम है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, हमारी टीम चल रही है और टीम वर्क हम कर रहे हैं पूरी तरह से, हर बेकरी में जा जाके हम उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, हर चीज़ का समस्या का दूर करेंगे, और टीम जब काम करती है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हर चीज का रेट बढ़ा है, बस ये समझ लो कि अगर हम अभी रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हम बंद करने के उस पर आ जाएंगे, इतना रेट बढ़ गया है। मुंबई जो है बेकरी का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ी बिजनेस है, जी जी, शायद हिंदुस्तान में कोई सबसे ज्यादा बेकरी मुंबई में, जी सबसे ज्यादा। तो सरकार से क्या चाहते हो, अगर नहीं होगा तो ये धंधा बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब हम एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, अगर अब हमारा भाव नहीं बढ़ा तो हमारी बहुत सारी बेकरी बंद भी हो चुकी है और बहुत सारी बंद होने की लाइन में है, तो हम इस टाइम पे भाव नहीं बढ़ाएंगे या इस टाइम पे इन लोगों को नहीं संभालेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे कि पोल्यूशन का मुद्दा, दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन के करके सब बेकरी बंद कर दी मोस्टली, जी जी, उसके लिए भी सरकार काफ़ी परेशान करती है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि
काफ़ी पोल्यूशन का तो बहुत सारी चेंजेस आ रही है हमारे जी, अभी डीजल में हो गए, इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं, पोल्यूशन का बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारे बिजली वाले। पहले एक अलग दौर था, अब काफ़ी इस पर टेक्निक चेंज हो रही हैं, मशीनें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, लेकिन कोई हमारा संभालने वाला रहबर नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने मुझे चुना, मैं इंशाल्लाह इन लोगों के काम आऊँ। आप चाहते क्या है? एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि बेकरी वाले परेशान नहीं हो, हर साल इनका भाव बढ़े, जब मैदे का भाव बढ़े, घी तेल का भाव बढ़े, तो इनका भाव बढ़े, मैं ये चाहता हूँ, ये खुश रहे। अभी कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? हमारे पास भंडूप से आए हैं, थाना से आए हैं, पूरे बॉम्बे से सब जगह से आए हैं। ये रेट के कुछ डिफरेंस है, उनके प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस में कुछ एक रुपए का डिफरेंस है, वो कुछ 9 रुपए और 10 रुपए का लफड़ा है, तो वो हम क्लियर कर देंगे, 18 रुपए 20 रुपए 1-2 रुपए का वो है, तो वो बैठ के मैनेजमेंट हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक आम आदमी की आपकी आवाज़ आम आदमी तक पहुँचे, एक साफ शब्दों में जो एक पाव जो है कितनी कीमत है, बढ़ के कितना हो जाएगा? पाव की कीमत ऐसी है कि अगर वड़ा नहीं चले, अगर पाव नहीं होते तो पाव की तो इतनी कीमत है मुंबई में। मुंबई लोकल ट्रेन और वड़ा पाव ही जानते हैं, वड़ा बिना पाव के बेकार है। आप चाहेंगे तो मुंबई रुक सकती है अगर? इंशाल्लाह हम नहीं चाहेंगे, गवर्नमेंट से आप क्या चाहेंगे? हम ऐसा कभी चाहेंगे नहीं कि मुंबई रुक जाए। हाँ बिल्कुल, अगर रेट हमारे मतलब का नहीं हुआ, गवर्नमेंट तो हमारे हमेशा साथ देती है, गवर्नमेंट ने हमारा काफी साथ सपोर्ट मिला आपको गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने हमें पहले बहुत टाइम पहले मैदे दिए हैं, गेहूँ दिए हैं, हमारी बेकरी को काफ़ी कुछ किया है, और अब भी हम जा रहे हैं मैदा गवर्नमेंट के पास ये स्कीम लेके कि हमको कुछ सस्ता मैदा दिया जाए, सस्ता गेहूँ दिया जाए, ताकि हम बेकरी वालों को चीज़ अच्छा प्रोडक्ट जी। गवर्नमेंट ने भी बात किया नहीं, मसला हल नहीं हुआ, कितनी प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं, गवर्नमेंट हमको कभी मना नहीं करती, गवर्नमेंट जब हमारे पर पाबंदी लगाएगी, जब वो हमें कुछ देगी, गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही कुछ, तो हम तो ओपन मार्केट से ले रहे हैं, तो वो हमको बोलती है जैसा आपको समझता है, आपको जहाँ परवड़ता है वहाँ आप बेचिए। तो हमने जो अब रेट किया है, इससे आम पब्लिक का रेट बढ़ने वाला नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस तरह का रेट किया है कि आम लोगों को अगर 2 रुपये का पाव मिल रहा था, वो 2 ही रुपये का मिलेगा, कहीं अढ़ाई रुपये का रेट बढ़ा है हमने। हमारा रेट जो है ना, ग्राहक और हमारे दरमियान का रेट बढ़ा, रिटेल का रेट हमने नहीं बढ़ाया, तो इसलिए पब्लिक को कोई तकलीफ इससे होने वाली नहीं। रही सरकार की बात, सरकार तो हमारे साथ है, सरकार से जो हम लोग चाहते हैं वो मिल जाएगा, वो तो बोलते हैं आपको जिस हिसाब से गेहूँ मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, आप उसके हिसाब से काम करिए, तो वो हमारे ऊपर पाबंदी नहीं डालती, ये तो हमारा बिजनेस का आपस का जो कॉम्पिटिशन है वो उसके हिसाब से हम लोग रेट तय करते, सरकार हमारे ऊपर कोई पाबंदी डालती। और हमारे जो नासिर भाई, हमने इनको हमारा बड़ा माना, हमने इनको चुना, हमारा सदर माना है। अभी हमारी जो तकलीफ़ थी, हमारी तकलीफ़ हम इनके पास लेके आएंगे, लेकिन ये तकलीफ़ हमारा जो भाव बढ़ाया गया है, तो हमने जो भाव बढ़ाया है, हमने ये रिटेल का भाव नहीं बढ़ाया, और इससे जो आम जनता है, बाहर की जो पब्लिक है, उसको तो और बेनिफिट मिलेगा, उनको तो ये है कि हम क्वालिटी भी बढ़ाएंगे और क्वान्टिटी भी बढ़ाएंगे, तो इसके लिए आम जनता को कोई इससे परेशानी और कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो मामला थे हमारे अंदरूनी है, जैसे बेकरी और बेकरी के बीच के जो है, जो सेलर है और जो हम व्यापारी है, तो इससे आम जनता को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो बस ये है कि अभी हमारे नासिर भाई, हमारी मीटिंग हुई है, और जो कुछ प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हमारे नासिर भाई आगे इस बात को रखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप अपना परिचय दीजिए, आप भी बेकरी चलाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है पहले की अपेक्षा, आज की जो मीटिंग है उसके बारे में बताइए। आज की जो मीटिंग है हमारी, जो हमारी पहले जो कमेटी थी, तो हमारे जो पहले सदर थे, तो उनकी थोड़ा उम्र 80 साल के करीब हो गई, तो अब हमारे जो बेकरी में परेशानियां हैं तो वो वहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि यंग जनरेशन जो काम करे इसमें, तो हम लोग जो है नासिर भाई को जो इनको मनाया हम लोग ने, तो नासिर भाई ने जिम्मेदारी ली है कि जो हमारा बेकरी का जो व्यवसाय है पूरी मुंबई का, तो हम लोग सभी परेशान थे, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले भाव बढ़ाया था, तो भाव बढ़ाने के बाद मैदा का कुछ रेट कम हुआ, तो हम लोग ने अपने रेट कम कर दिए थे, लेकिन जो दुकानदार और जो बीच वाले थे उन्होंने अपने रेट कम नहीं किए थे, तो इसलिए हम लोग जो है सारे बेकरी वाले इस टाइम लॉस में जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग ने अभी नया कमेटी अपना जो सदर हम लोग ने नासिर भाई को चुना है, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं बेकरी सब जा कर के चेक भी करूँगा, और जो भी बेकरी वालों की
दिक्कत और जो भी परेशानी रहेगी उसको वो दूर करेंगे। और उसमें इन्होंने युवा अपनी टीम बनाई है, तो हर इलाके में जा कर के उस इनकी सब बेकरी वालों की परेशानियाँ सुनी जाएंगी और भाव भी जो बढ़ाया जाएगा। हम लोग बहुत लॉस में चल रहे हैं, जो भाड़े के बेकरी वाले हैं, किराए के बेकरी वाले हैं, वो कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। मैदा वाले का पैसा चढ़ता चला जा रहा है, मैदा वाले का पैसा मतलब हम लोग को काफ़ी कर्जे में है बेकरी वाले, जो किराए के बेकरी वाले हैं। तो जिस उस हिसाब से जो हमारे बच्चों की जो तालीम वगैरह हो रही, तो हम लोग आजकल मैदा वाले का पैसा चढ़ावा, तो अब ये नासिर भाई की सदारत में जो है अब रेट भी बढ़ेगा, तो हम लोग उस लॉस से निकलेंगे, तो कुछ हमारा व्यापार भी आगे होगा और गवर्नमेंट की भी एकता हमारी इसमें एसोसिएशन में एकता रहेगी, तो गवर्नमेंट से भी हम लोग को जो है सब्सिडी वगैरह जो मिलती है वो लेने का काम करेंगे। कुछ लोग जो कम ज़्यादा में बेच रहे थे वो एक लेवल पर आ गए, भाव बढ़ा नहीं है, कहीं दो का बिक रहा था, कहीं ढाई का बिक रहा था, तो अब एक लेवल पर आ गए, ढाई रुपये ही पाव बिकेगा दुकान, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। ये एक लेवल की बात है, अभी कुछ ज्यादा भाव नहीं, कोई कम, कोई इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ा सकता कोई, ये एक लेवल पर आना है, बस उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए हमने अपने नासिर भाई को चुना है और इंशाल्लाह ये काम होगा। बस हमने ये जो मीटिंग बुलाई है इसी बात के लिए बुलाई है कि भाई आज जो रेट होगा वो सेम होगा, बराबर होगा, जिसके भाव ज्यादा है उसको कंट्रोल में लाया जाएगा, जो तीन का बेच रहा है वो ढाई का बेचेगा, मार्केट में भाव रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही बिकेगा। सारे बेकरी वालों को बुलाया गया था, उसमें जो एजेंडा था कि नया चुनाव, दूसरा एजेंडा था कि काफ़ी दिनों से बेकरी वालों को रॉ मटेरियल की बढ़ जाने की वजह से घी, मैदा, तेल, शक्कर, डीजल, गैस वगैरह वगैरह, ईस्ट लगने वाली सारी चीज़ बढ़ जाने की वजह से बेकरी वाले बहुत परेशान थे कि हम नुकसान हमारा जो हो रहा है उसी की भरपाई कैसे की जाए। एक तो ये चर्चा करना था, दूसरा पहला चर्चा करना था कि हमारा एजेंडा है कि हम प्रेसिडेंट चुन लेवे अपना, कोई हमारा रहबर मिल जावे, कोई हमारा अगुआकार मिल जाए। तो सारे बेकरी वाले ने चॉइस किया कि नासिर अंसारी हमारी रहबरी करे, हमारी सदर बने, प्रेसिडेंट बने। लेकिन कुछ मैनेजिंग कमेटी के लोग कुछ पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, तो जब भी ये दोबारा बात होगी हम लोग उनसे बात करेंगे कि सारे बेकरी वाले इत्तेफाक रख रहे हैं कि नासिर अंसारी को प्रेसिडेंट चुना जाए। दूसरी बात ये था कि नुकसान कैसे भरपाई की जाए, और लोगों से ये अपील किया गया है कि हमारी जो पाव है, अमीर और गरीब सारे खाने वाले हैं, ये बहुत महंगा न बिके, इसके लिए बुलाया गया है ख़ास तौर से। ये सिर्फ यही है कि ये अमीर और गरीब का जो पाव है हर चीज़ में यूज कर, नॉन वेज वेज दोनों में ये चीज़ यूज हो रही है, तो ये महंगा न बिक जाए। लोग एक एक पाव की 20-20 रुपया कीमत लेते हैं, 20-20 रुपया, हमारे बेकरी से उसकी कीमत 18 रुपया रखी गई है, 18 रुपया 12 पाव का 18 रुपया, और 6 पेड़ा के लादे 10 रुपया, और उसका वज़न पे डिपेंड है कि वज़न अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं 500 ग्राम कच्चा काट के, तो उसकी कीमत 20 रुपया है। और बुरुन पाव जो रखा गया है उसको भी नॉर्मल रखा गया है। हमारा रिटेल और होलसेल दो भाव हैं मार्केट में, हमारे रिटेल क्या भाव है, हमारा होलसेल क्या भाव है, दोनों को हम लोगों ने किस तरह से ये रेट को बढ़ने ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ ना जावे कि जो लोग महंगाई के दौर में ये पाव भी महंगा मिलने लगे। ये इसलिए मीटिंग बुलाई गई है कि बहुत ज़्यादा महंगा पाव नहीं होना चाहिए, बेकरी का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए मीटिंग बुलाया है, नए सदर हम चुनना चाहते हैं, सदर भी चुन लिया गया है, एक कमेटी बनाई जाएगी, तो उस पर सब काम होगा, सारी बात आपको दोबारा भी बताया जाएगा। सारे कैसा है ना कि जो मिडल मैन है हमारा, जो सेल्समैन, जो फेरी वाला है, बेकरी से पाव उठाता है, वो डोर टू डोर सर्विस ईच एंड एवरी कॉल पे आता है, पाव लेके जाता है, सर्विस देता है, तो जो भी अगर गैप ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल में लाया जाएगा कि मार्केट में जो हमारी चीज़ जा रही हो ज़्यादा
ओवर वैल्यू पे नहीं जाए, कंट्रोल करके हिसाब से जैसे कि चल रहा है उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। जो हमारा मीटिंग का एजेंडा था सबसे पहला, अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन हुआ था हमारे प्रेसिडेंट के लिए जो आज तक मजबूत नहीं हो पाया था, तो आज हमारा प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो चुका है, वो अपनी मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वाले से जाके मिलेंगे, किसी की दिक्कत है तो उनकी सुनी जाएगी, हर चीज़ की सुनी जाएगी। आज तक कभी सुनी नहीं गई, बहुत लोगों ने ऐसा था जो पोस्ट पे थे पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे, आधे से ज़्यादा टाइम वो एब्रॉड रहते थे, तो ऐसे आदमी से हमारा काम नहीं हो पा रहा था। ये तकलीफ़ की वजह से हमने बहुत साल निकाल दिए, बहुत तकलीफ़ झेली। आज के टाइम में देखें तो हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ है हम लोग सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे, अपना जो मिनिमम वैल्यू वो तक नहीं ले पा रहे थे, तो हम लोग अपना वैल्यू लेने के बाद पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो वो हिसाब से चलना चाहते हैं। और ये चीज़ में हमारी मदद करने के लिए ये अकेले इंसान है जो खड़े हुए, बाकी इतने टाइम से कोई तैयार नहीं हुआ था, कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं था। तो आज हमने अपना प्रेसिडेंट चुना है, वो अपनी कमेटी बनाएंगे, हर बेकरी वालों से बुलाएंगे, बात करेंगे, सबसे एक राय पे लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम कराएंगे इंशाल्लाह।